विकराल हुए महातूफान को देखिए। देखिए कैसे भारी भरकम पेड़ को जमींदोज कर दिया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का ही ये असर है कि बारिश की बूंदें हवा के साथ किसी नुकीली चीज की तरह शरीर में चुभ रही हैं। दरअसल 15 जून की रात आखिरकार चक्रवाती तूफान गुजरात के समुद्री तट से टकरा गया, और टकराया भी ऐसा कि सब कुछ तहस नहस कर दिया, क्योंकि इस तूफान से लैंडफॉल की जो प्रक्रिया थी वो एक या दो घंटे नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे तक चलती रही। इस दौरान लोगों के सिर पर चक्रवाती तूफान मौत बनकर मंडराता रहा। वो तो गनीमत रही कि समय रहते 94,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था, वरना ये तूफान भारी आपदा में तब्दील हो सकता था। हालांकि बिपरजॉय तूफान के बाद गुजरात के भावनगर में अपने पशुओं को बचाते समय एक पिता और पुत्र की जान चली गई। भारी बारिश और बाढ़ जैसे स्थिति के बाद इनके पशु एक गड्ढे में फंस गए थे। उन्हें बचाते समय ही दोनों डूब गए और उनकी मौत हो गई। खबरें कहती हैं कि महातूफान के कारण करीब 22 लोग भी घायल हुए हैं, तो वहीं 23 जानवरों की भी जान चली गई। इसके अलावा मोरबी में तेज हवाओं के चलते बिजली के तार और खंभे टूट गए। इसके कारण मलिया तहसील के 45 गांव में बिजली गुल हो गई। 11 गांव में बिजली बहाल कर दी गई है। तटीय ग्रामीण और रेगिस्तानी इलाकों में 300 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट गए हैं। आपको बता दें कि बिपरजॉय के कारण गुजरात के तटीय इलाकों में 125 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बाद में हवा की रफ्तार भले ही कम 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई हो, इस दौरान भुज में 5 इंच तक बारिश हो चुकी है। वहीं द्वारका और भुज में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। गौर हो कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब अलर्ट पर हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई थीं। वहीं नौसेना के 4 जहाज स्टैंड बाई पर रखे गए थे। तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महातूफान का असर है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अब ये चक्रवाती तूफान राजस्थान और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।